चित्रा बिना देरी करे उस बिल्ली की आवाज का पीछा करने लग जाती है और उस आवाज की तरफ जाने लग जाती है। जैसे जैसे चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी, बिल्ली की आवाज तेज होते जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्ली उसे अपने पास बुला रही हो। चित्रा बिल्ली की आवाज का पीछा करते हुए अपने कदम कब्रिस्तान में आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उन कदमों की आहट को सुनकर चित्रा समझ जाती है कि उस कब्रिस्तान में उसके सिवा भी कोई और मौजूद था। चित्रा उसी वक्त जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाती है। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था और उसी सन्नाटे को चीरते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे तेज होते जा रही थी, जैसे कोई चित्रा की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा हो। जब चित्रा उन कदमों की आहट को गौर से सुनती है तो समझ जाती है कि वो कदमों की आहट उसके पीछे से आ रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो जो चेहरा उसे दिखाई देता है उस चेहरे को वो अच्छे से पहचानती थी। उसने जरा से भी उम्मीद नहीं करी थी कि कब्रिस्तान के अंदर उसे वो चेहरा देखने को मिलेगा। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर दीपक खड़ा हुआ था। दीपक के हाथ में छुट्टे पैसे रखे हुए थे जिसमें 100-100 के दो नोट और एक 50 का नोट था। जब चित्रा एकदम से पीछे मुड़ती है तो दीपक कुछ घबरा जाता है। चित्रा गुस्से के साथ दीपक को घूरते हुए कहती है, तू? दीपक हिम्मत करते हुए हकलाते हुए चित्रा से कहता है, वो मैडम जी, आपके बाकी के पैसे? चित्रा गुस्से के साथ ही पलट कर कहती है, रख ले तू। दीपक ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, आपके पैसे आप रखिए। ये दीपू अपनी मेहनत की कमाई लेता है और उसे ही खाता है, ऐसे किसी के पैसे नहीं रखता है। चित्रा दीपक को देखकर समझ गई थी कि वो ऐसे नहीं जाने वाला था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दीपक के पास से बाकी के बचे पैसे लेने लग जाती है। जब चित्रा दीपक की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो दीपक अजीब तरीके से चित्रा के हाथ को पकड़ने लग जाता है। चित्रा के हाथ पर अपने हाथ फेरने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो चित्रा के हाथ को सहला रहा हो। चित्रा तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है। चित्रा दीपक को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, हो गया, जा यहाँ से। दीपक वहीं पर खड़ा रहता है, पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। चित्रा की आंखों और बातों से वो बहुत बदली बदली नजर आ रही थी, जैसे कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही उसे कुछ हो गया हो। दीपक हिम्मत करते हुए फिर हिचकिचाहट के साथ चित्रा से कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ इस कब्रिस्तान में इतनी रात में यहाँ पर क्यों आई हो। चित्रा एकदम दीपक को देखते रहती है, कुछ नहीं कहती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद दीपक के मुंह से ये सुनना चाहती हो कि वो इस वक्त कब्रिस्तान में क्यों आई है। दीपक चित्रा की इस बात को भांप जाता है और खुद बोल पड़ता है, मैंने फिल्मों में देखा, ऐसी ही लड़कियां अनजान लड़कों को सुनसान जगह पर ले जाती है और उस सुनसान जगह पर ले जाकर लड़कों को इशारा करती है उनके पीछे जाने का, और फिर लड़का उस लड़की के पीछे जाता है और सुनसान जगह पर पहुंचकर ही उन दोनों के बीच वो हो जाता है। चित्रा दीपक को एकटक देखते हुए भारी आवाज में उससे पूछती है, वो हो जाता है? क्या हो जाता है? दीपक शर्माते हुए अगले ही पल जवाब देता है, मुझे पता है तुम्हें सब पता है, पर तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना, पर मैं भी इतना शर्मिला नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। मुझे नहीं आती शर्म, मैंने तो अपनी शर्म बेच खाई है और अब तुम भी अपनी शर्म मुझे बेच दो। इतना कहकर दीपक कस कस कर हंसने लग जाता है। चित्रा दीपक को एकटक देखते हुए फिर उससे पूछती है, तूने बताया नहीं क्या होता है लड़के और लड़की के बीच सुनसान जगह पर? चित्रा के मुंह से ये बात सुनकर दीपक और ज्यादा खुश हो जाता है। दीपक और ज्यादा शर्माते हुए तुरंत चित्रा से बोल पड़ता है, उस सुनसान जगह पर वही होता है जो हर लड़का लड़की एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, जिसके वो सपने देखते रहते हैं, जिसकी उन्हें हर वक्त तड़प लगी होती है। मुझे पता है तुम यहाँ पर भी अपनी वही तड़प मिटाने आई हो मेरे साथ। चित्रा दीपक को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, चले जा यहाँ से वरना मेरी तड़प ऐसे मिटेगी कि मरते वक्त भी तड़प नहीं पाएगा। दीपक चित्रा के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी आंखों से निहारते हुए कहता है, मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी तड़प मिटाने के लिए आया हूँ और आज उसे मैं मिटाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इतना कहकर दीपक चित्रा का हाथ पकड़ लेता है। चित्रा दीपक को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ। दीपक चित्रा के हाथ को कसकर थामते हुए कहता है, इसे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है मैंने, और अभी तो बस मैंने हाथ पकड़ा है, अभी तो बहुत कुछ पकड़ना बाकी है। सीधे सीधे मानती है कि अपनी मर्दानगी दिखाऊं? चित्रा दीपक को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। दीपक चित्रा का हाथ नहीं छोड़ता है, अपने दोनों हाथों से कसकर उसका हाथ पकड़े रहता है। दीपक की हरकत देखकर चित्रा को गुस्सा आ जाता है। वो उसी वक्त अपनी पूरी ताकत से दीपक को दूसरी तरफ धक्का दे देती है। दीपक दूर हटकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही दीपक नीचे गिरता है वो दर्द से कराह पड़ता है। आह! चित्रा को लगता है कि दीपक अब नहीं उठेगा, इसलिए वो दूसरी तरफ मुड़ती है और फिर से आगे बढ़ने लग जाती है।
अभी चित्रा ने दो तीन कदम अपने आगे बढ़ाए थे कि तभी दीपक हड़बड़ाहट के साथ अपनी जगह पर से उठता है और पीछे से कसकर चित्रा को पकड़ लेता है। दीपक कुछ इस तरह से चित्रा को पकड़ता है कि चित्रा के बदन के पीछे के सारे अंग दीपक के अंगों से टच होने लग जाते हैं। दीपक अपना हाथ चित्रा के पेट पर फेरने लग जाता है। चित्रा उसी फुर्ती के साथ दीपक की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने लग जाती है। उसके दोनों हाथों को उसके पेट पर से हटाने की कोशिश करने लग जाती है, पर दीपक ने इतनी कसकर चित्रा को पकड़कर रखा हुआ था कि चित्रा अपने आप को दीपक के हाथों की पकड़ से छुड़ा ही नहीं पा रही थी। चित्रा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, जाने दे। दीपक चित्रा की एक नहीं सुनता, उसे पकड़े रहता है। अपने गाल चित्रा के गालों से सटाने लग जाता है, उसे चूमने की कोशिश करने लग जाता है और चित्रा उससे बचने की। दीपक चित्रा को चूमने की कोशिश करते हुए कहता है, मान भी जा, अब इतना क्यों तरसा रही है, तूने ही तो मुझे बुलाया है, अब बिना चखे तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। चित्रा दीपक से अपने बदन को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और देखते ही देखते वो इसमें कामयाब भी होने लग जाती है। दीपक उसी वक्त चित्रा के बदन के दूसरे हिस्से को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है, अपने हाथ उसके वक्ष की तरफ ले जाने लग जाता है, जिस कारण उन दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है। उसी हाथापाई के दौरान वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद भी उन दोनों के बीच हाथापाई चालू रहती है। दीपक चित्रा के बदन को पकड़ने की कोशिश करते रहता है। दीपक चित्रा के बदन को पकड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ तू खुद लेट गई, वरना मैं तो खुद सोच रहा था तुझे कैसे लिटाऊं। दीपक एक बार फिर चित्रा के बदन को आगे से कसकर अपनी बाहों में दबोच लेता है और चित्रा अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते रहती है। चित्रा और दीपक के बीच हाथापाई हो ही रही थी कि उसी हाथापाई के दौरान दीपक चित्रा के जोड़े को कसकर अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसे कसकर खींच देता है ताकि चित्रा उसके काबू में आ जाए। जैसे ही दीपक चित्रा के बालों को खींचता है, चित्रा का जोड़ा खुल जाता है। चित्रा की लंबी सी चोटी उसकी कमर पर आ जाती है। उसी वक्त कसकर बिजली चमकती है, जिस कारण चारों तरफ उजाला हो जाता है। जोड़े के खुलते ही चित्रा अपने आप को दीपक से छुड़ाने की कोशिश बंद कर देती है, एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है, कुछ नहीं करती है, जैसे उसने अपने आप को दीपक को सौंप दिया हो। चित्रा की नजरें नीचे की तरफ थी, जिस कारण दीपक को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो चित्रा का चेहरा देखकर करता भी क्या, उसकी नजर तो चित्रा के बदन की तरफ थी, उसके उभरे हुए नितंबों की तरफ, जो चित्रा के टाइट कपड़ों में और भी ज्यादा उभर कर दिख रहे थे। जब चित्रा जरा सा भी विरोध नहीं करती है तो दीपक खुश हो जाता है और वो अपने हाथ को चित्रा की कमर पर फेरते हुए अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहता है, तो आखिर तुम मेरी बात मान ही गई, अब मजा आएगा ना करने में, आओ इस कब्रिस्तान के सन्नाटे को तोड़ते हैं, यहाँ के मुर्दों को नींद से जगाते हैं हमारी आवाजों से। दीपक के ये बात बोलते ही चित्रा अपने दोनों हाथों से कस कर दीपक को अपने और करीब खींच लेती है। दीपक कहता है, तुम लड़कियां ना ऐसी ही होती हो, पहले करने से मना करती हो और जब मूड बन जाता है तो उतावली हो जाती हो। चित्रा अपने हाथ दीपक की कमर पर फेरते जा रही थी। जैसे जैसे चित्रा अपने हाथ दीपक की कमर पर फेरते जा रही थी, उसके हाथ के नाखून बड़े होते जा रहे थे। नाखून बस बड़े ही नहीं हो रहे थे, बल्कि काले भी होते जा रहे थे। चित्रा के नाखून इतने ज्यादा नुकीले और पैने हो जाते हैं कि जब अगली बार चित्रा दीपक की पीठ पर अपना हाथ फेरती है तो उसकी पीठ से खून निकलने लग जाता है। दीपक दर्द से तिलमिला उठता है और दर्द से कराहते हुए कहता है, आह क्या कर रही हो, तुम मुझे नोच खाओगी क्या, ऐसे कोई कमर को सहलाता है क्या। चित्रा डरावनी आवाज में कहती है, तुझे नोच नहीं खाऊंगी बल्कि कच्चा चबा जाऊंगी। जैसे ही चित्रा की ये बात दीपक के कानों तक पहुंचती है, दीपक डर से कांप जाता है, क्योंकि ये चित्रा की वो आवाज नहीं थी जिसे वो इतनी देर से सुन रहा था। इस आवाज में खौफ था, डरावनापन था। दीपक जो कि खुद चित्रा की पीठ पर अपने हाथ फेर रहा था, चित्रा की डरावनी आवाज सुनकर अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरना बंद कर देता है। उसके हाथ जहाँ पर थे उसी जगह पर रुक जाते हैं। उसी वक्त दीपक को एहसास होता है जैसे चित्रा की पीठ पर कोई चीज रेंग रही है। दीपक हिम्मत करते हुए फिर चित्रा की कमर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लग जाता है, पर इस बार जैसे ही वो चित्रा की कमर पर अपने हाथ फेरता है, उसके हाथ सीधे चित्रा की मोटी सी चोटी पर चले जाते हैं और उसे एहसास होता है कि चित्रा की चोटी में भी मूवमेंट हो रहा था। उस चोटी के मूवमेंट को महसूस करके दीपक की जान हलक में आ जाती है। उसका बदन जो गर्म हो गया था वो ठंडा होने लग जाता है। दीपक का सिर जो चित्रा की गर्दन के पास था, दीपक पीछे की तरफ झांकते हुए चित्रा की चोटी देखने की कोशिश करने लग जाता है और जब वो चित्रा की चोटी देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। वो देखता है कि चित्रा की चोटी सांप की तरह उसकी पीठ पर डोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा की चोटी में जान हो। उस चोटी को देखकर दीपक डर से कांपते हुए हकलाते हुए कहता है, डायन। जैसे ही दीपक के मुंह से ये शब्द निकलता है, वो तुरंत अपने बदन को चित्रा के बदन से दूर करने लग जाता है, पर चित्रा ने दीपक को कसकर पकड़ रखा था।
जिस कारण इस बार दीपक उससे दूर नहीं हो पाता है। जब दीपक चित्रा से दूर होने की कोशिश करता है तब जाकर उसकी चित्रा के चेहरे पर नजर पड़ती है और जब वो उसका चेहरा देखता है तो बौखला जाता है। डर के कारण उसकी सांसें थम जाती है। चित्रा पूरी तरह बदल चुकी थी, उसकी आंखें काली से हरी हो चुकी थी, चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे। चित्रा बड़े प्यार से कहती है, अब कहाँ जा रहा है दीपू? जब जाना था तब तो गया नहीं, अब जाकर क्या करेगा? दीपक डर से कांपते हुए कहता है, डायन। दीपक बार बार बस चित्रा को देखकर डायन डायन ही बोले जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। जब दीपक अपने आसपास नजरें फिरता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां थी। कुछ बिल्लियां पेड़ पर चढ़ी हुई थी तो कुछ कब्रों के ऊपर। चित्रा के डायन बनते ही उस कब्रिस्तान में ढेर सारी बिल्लियां जमा हो गई थी। दीपक डरते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे। चित्रा डरावनी आवाज में कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दो दीपू, अभी तो बहुत कुछ पकड़ना बाकी है। दीपक चित्रा की आंखों में देखते हुए डरते रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। चित्रा डरावनी आवाज में फिर बोल पड़ती है, तो क्या कहा था तूने कि फिल्मों में इसी तरह लड़कियां अनजान लड़कों को सुनसान जगह पर ले जाती है और उस सुनसान जगह पर ले जाकर लड़कों को इशारा करती है उनके पीछे जाने का, और फिर लड़का उस लड़की के पीछे जाता है और फिर उन दोनों के बीच वो हो जाता है। पर लगता है तूने हॉरर फिल्में नहीं देखी है। उस सुनसान जंगल में जो लड़कियां लड़कों को ले जाती हैं, उनमें से कुछ लड़कियां डायने भी निकलती हैं, और आज तेरा सामना भी एक डायन से हुआ है, चित्रा डायन से। दीपक इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। चित्रा गुस्से के साथ दीपक को घूरते रहती है। देखते ही देखते चित्रा की चोटी सामने की तरफ आती है और एक झटके के साथ दीपक के पेट के अंदर घुस जाती है। दीपक दर्द से कराहते हुए चीख पड़ता है, आह। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।